अब्दुल्ला आजम को देख समर्थक बोले, शेर आया जमकर हुई नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ ही स्वार उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान गुरुवार को चुनाव प्रचार में उतरे। उनके चुनाव प्रचार में आते ही समर्थकों जबरदस्त जोश दिखा। उपचुनाव और निकाय चुनाव में प्रचार के लिए गुरुवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को साथ निकलना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से आजम खान प्रचार करने नहीं जा सके। हालांकि अब्दुल्ला आजम अकेले ही चुनावी जनसभा में पहुंचे। उनके चुनावी जनसभा में पहुंचते ही समर्थकों का जोश दिखने लायक था। अब्दुल्ला आजम को देखते ही चुनावी जनसभा में समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की, जो चर्चा का विषय रही। जमकर हुई नारेबाजी। अब्दुल्ला आजम जैसे ही चुनावी जनसभा में पहुंचे तो शेर आया के नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद सपा नेता और स्वार के पूर्व विधायक ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले किए। सपा नेता ने यहां रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना पर जमकर जुबानी हमला किया। इसके बाद सपा नेता और स्वार के पूर्व विधायक ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमले किए। सपा नेता ने यहां रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने बीजेपी विधायक को संविदा का विधायक बताया। उन्होंने जीतने के बाद अगले दिन ही कह दिया था कि मैं कैसे जीता हूँ ये मुझे भी मालूम है। सपा नेता ने कहा, हमारे लिए एक बात कहने की, हम जिसके होते हैं उसके होते हैं और जिसके नहीं होते उसके बिल्कुल नहीं होते। अगर आपके हैं तो आपके हैं। जबकि पिता आजम खान के चुनाव प्रचार में नहीं आने को उन्होंने कहा, आजम खान साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बता दें कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलक और बिलासपुर में साथ चुनाव प्रचार करना था, लेकिन आजम खान का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो चुनाव प्रचार पर नहीं गई।